और इसी बीच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आ रही है कोलकाता की घटना का विरोध। राजधानी में डॉक्टर्स ने निकाला कैंडल मार्च, तेली बांधा से मरीन ड्राइव तक मार्च निकाला गया। काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया गया। डॉक्टर्स ने न्याय की मांग की है और इस विरोध प्रदर्शन से जुड़ी हुई तस्वीरें भी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है कि डॉक्टर्स इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं। एक बार एम्बियंस सुन लीजिए। तो कोलकाता की घटना का विरोध राजधानी रायपुर में किया जा रहा है। तेली बांधा से मरीन ड्राइव तक ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से। आप देख सकते हैं काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरे हुए हैं इस वक्त राजधानी रायपुर के डॉक्टर्स, और सभी की तरफ से वी वांट जस्टिस यानी न्याय की मांग की जा रही है। इसके नारे लग रहे हैं और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के रायपुर के बैनर तले ये तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो मेडिकल कॉलेज से निकले हैं, और कलकत्ता में जिस तरह से डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना हुई उसका विरोध तो कर ही रहे हैं, साथ साथ न्याय भी मांग रहे हैं। और ये न्याय मांगते हुए बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में यहाँ डॉक्टर्स जो हैं, सीनियर जूनियर दोनों डॉक्टर्स हैं, वो यहाँ पे निकले हैं, मांगों को बुलंद कर रहे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आज आप लोग निकले हैं वी वांट जस्टिस कहते हुए। ऑफ कोर्स वी वांट जस्टिस फॉर द कोलकाता विक्टिम, एंड वी वांट टू इंश्योर हर रेजिडेंट पूरे इंडिया में, हर गवर्नमेंट सेटअप, हर हॉस्पिटल में, हर वर्क प्लेस में सेफ रहे, हर वर्क प्लेस में सेफ रहे। और ये 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 जो मांग कर रहे हैं, देखिए हाथों में मोमबत्ती लिए हैं, हाथों में रोशनी लेकर ये यात्रा निकाली गई है, चूंकि मोमबत्ती यात्रा थी, और इनसे हम बातचीत करते हैं। आज आप लोग निकले हैं न्याय की मांग करते हुए। हाँ जी, हम बहुत सारी चीज़ों की डिमांड है, बहुत अन्याय हो रहा है हम डॉक्टरों के साथ। हम 36 घंटे की ड्यूटी करते हैं, किसी भी प्रोफेशन में इतनी लंबी ड्यूटी कोई नहीं करता है, उसके बावजूद खाने का टाइम नहीं मिलता है, इमरजेंसी रहती है, और एक मरीज को अगर दो मिनट के लिए बिठा दो तो वो नेता की चिट्ठी, MS की चिट्ठी, इसकी चिट्ठी, उसकी चिट्ठी, और कोई हमारा नहीं सुनता, सब उन्हीं की बात सुनते हैं कि आपने ये नहीं किया, चिट्ठी मिल जाती है, सस्पेंड कर दिया जाता है, और हमको सोने के लिए, खाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। तो ये हमारे जो जूनियर बच्चे वो क्या डॉक्टरी करेंगे, मैं खुद अपने बच्चों को नहीं बनाना चाहूंगी इस सुविधा। और हर स्टेट का वही हाल है, जाके देखो ड्यूटी रूम, एक ड्यूटी रूम सही नहीं है। सुरक्षा को लेकर प्रशिक्षण खड़े होते हैं, अभी भी मुद्दा वही है, बड़ा मुद्दा वही है। कानून का डर नहीं है, प्रॉब्लम यही है कि कानून का डर नहीं है। ऐसे कड़े कानून लेके आए सेंट्रल गवर्नमेंट कि लोग डरे। आज दहेज का कानून है तो लोग डरते हैं ना, PCPNDT से लोग डरते हैं कि नहीं, तो फिर इस चीज के लिए क्यों नहीं डरते लोग, ऐसा क्यों सोचते हैं कि वो बच के निकल जाएंगे। जी कानून तो कड़े होने ही चाहिए और उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत कड़ाई से होना चाहिए। हमारे विधानसभा और राज्यसभाओं में कानून बन जाते हैं बट उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए, हर मामले में जल्दी से जल्दी कार्यवाही होनी चाहिए, हर मामले में जल्दी से जल्दी न्याय हो, इस मामले में भी न्याय की मांग है। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे मसले हैं जिन मसलों को डॉक्टर्स जो हैं वो बताते हुए नजर आ रहे हैं, और अभी फिलहाल ये कैंडल मार्च कर रहे हैं न्याय की मांग करते हुए। कैमरा पर्सन राकेश के साथ सत्यप्रकाश। तो डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से इस वक्त कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। तेली बांधा से मरीन ड्राइव के रास्ते में इस वक्त डॉक्टर्स कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और उसी की सीधी तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। सभी डॉक्टर्स जो इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं उनकी तरफ से न्याय की मांग की जा रही है। सुरक्षा के साथ साथ ऐसे कई अन्य मुद्दे हैं जिनको लेकर इस वक्त राजधानी रायपुर में डॉक्टर्स की तरफ से ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश ने। आपने सुना कि पूरी रिपोर्ट दिखाई, उन्होंने डॉक्टर्स से भी बातचीत की है और सभी का यही कहना है कि केंद्र सरकार को डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए अलग से कानून बनाया जाना चाहिए ताकि डॉक्टर्स सुरक्षित रहें, और इसके साथ साथ जो ड्यूटी आर्स है उसको लेकर भी डॉक्टर्स सवाल उठा रहे हैं। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। सत्यप्रकाश आप तस्वीरें दिखाइएगा।
बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हम दिखाते हैं और तस्वीरें चूंकि दिखाना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि जिस तरह की और जितनी दुखद घटना हुई उसका रिएक्शन भी पूरे देश भर में सामने आ रहा है। डॉक्टर्स विशेष तौर पर आक्रोशित नजर आ रहे हैं, न्याय की मांग करते नजर आ रहे हैं। और फिलहाल जो मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जो तस्वीरें दिखा रहे हो यही कि बड़ी तादाद में डॉक्टर्स मेडिकल एसोसिएशन जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रायपुर उसके बैनर तले निकले हैं। मेडिकल कॉलेज से निकले हैं, सीनियर डॉक्टर भी है, जूनियर डॉक्टर भी हैं और मांग वही है, वी वांट जस्टिस, न्याय की मांग करते हुए निकले हैं यहाँ से। तमाम जो डॉक्टर हैं वो यहाँ पे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद है। डॉक्टर राकेश गुप्ता उनसे ही बात कर लेते हैं। बड़ी तादाद में डॉक्टर आज निकले हैं, सब यही कह रहे हैं वी वांट जस्टिस, न्याय की मांग कर रहे हैं। देखिए आरजी कर मेडिकल कॉलेज में कलकत्ता में जो हुआ वो हमेशा होने वाली घटनाएं हैं। एक नियमित अंतराल में सभी देश के सभी अस्पतालों में जो डॉक्टर ड्यूटी करते हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, नर्सेज हैं, महिलाएं ड्यूटी करती हैं, वो बहुत असुरक्षा के वातावरण में खासकर नाइट ड्यूटी करती हैं। प्रतिरोध में उनकी हत्या भी हो जाती है जैसा इस युवा डॉक्टर के साथ हुआ। केंद्रीय सुरक्षा कानून की मांग लगातार की जाती रही है, इस बार भी इस कानून की मांग ने जोर पकड़ा है जो 2019 से केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास लंबित है। हम लोग चाहते हैं कि वो कानून लागू हो, संसद में लाया जाए और जो ड्यूटीरत डॉक्टर हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, उनको जीवन सुरक्षा बीमा दिया जाए। आने वाले दिनों में जो लोग पकड़ाई में आते हैं या उपद्रवी तत्वों के रूप में अस्पताल में हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं उनके ऊपर फास्ट ट्रैक में मुकदमा चले। और हम लोग ये चाहते हैं कि जो महिला कर्मी काम करते हैं उनको अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन अलग से गाइडलाइन जारी करे अस्पतालों के, जिसका सख्ती से पालन होना चाहिए। सख्ती से पालन होना चाहिए। और ये देखिए बड़ी तादाद में डॉक्टर है, हाथों में मोमबत्तियां रखे हैं और मोमबत्तियां लेके वी वांट जस्टिस कह रहे हैं। तो ये देखिए ये एम्बियंस भी सुनना बहुत जरूरी है, एम्बियंस हम सुनवाते हैं दर्शकों। एम्बियंस अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और वी वांट जस्टिस जैसा मैं कह रहा था, बात भी करने की कोशिश करता हूँ। हाथों में मोमबत्तियां लेके आप लोग निकली हैं, किस तरह की सुरक्षा की मांग करते हैं? हम महिला की सुरक्षा की मांग करते हैं, वर्क प्लेस में सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डॉक्टर्स इस वक्त राजधानी रायपुर में कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश ने एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचाई है, आगे भी इस खबर से जुड़ा हुआ अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।